is finding all the prime numbers which multiply to make original number. There are two methods we have. One is factor tree method and second one is prime factorization method. Prime factorization वो होता है जिसमें हम given numbers के prime numbers find out करते हैं. Now let us learn prime factorization with an example. Suppose we have 48. हमें 48 का prime factorization करना है with the help of factor tree method. तो हम कैसे करेंगे? So now see 48. Firstly we break 48 in two numbers. ऐसे नंबर्स हमें लेना होगा जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 48 मिले. तो 6 8 जा 48. तो हमने ले लिया 6 एंड 8. अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 8 जा 48 मिल जाएगा. अब हम अगेन 6 और 8 को दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे. तो हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिले. तो हमने ले लिया 2 एंड 3 बिकॉज 2 3 इज 6 होता है. नाउ ब्रेक 8 इन टू नंबर्स. तो हमने ले लिया 2 एंड 4 बिकॉज 2 4 इज 8. अब 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो वी कैन नॉट स्प्लिट दिस 2 एंड 4. नाउ ब्रेक 4 इन टू नंबर्स. तो वी कैन स्प्लिट 4 इन 2 इन 2 2 बिकॉज 2 2 इज इक्वल्स टू 4. तो एज वी कैन सी 2 3 2 2 ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. तो 48 इक्वल्स टू 2 इन 2 3 इन 2 2 इन 2 2 इन 2 2. तो ये थी फैक्टर ट्री मैथड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. अगेन हम 48 ही लेंगे. तो ये होता है इसका फॉर्मेट 48. नाउ डिवाइड 48 विद प्राइम नंबर. तो ये इवन नंबर है. 48 इज अ इवन नंबर. तो हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 इज अ 4 एंड 2 4 इज अ 8. अगेन हम को दिख रहा है कि 24 इज ऑल्सो एन इवन नंबर. तो हम इसे भी 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 1 इज अ 2 2 2 इज अ 4. 12 इज ऑल्सो एन इवन नंबर. सो डिवाइडिंग 2 6 इज अ 12. 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर. तो 2 3 इज अ 6. अब 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा. तो अब हम 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे. 3 1 इज अ 3. हमें ये फॉर्मेट में जब तक मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए. और हम यहाँ पे जो भी नंबर्स लेते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स ही लेते हैं. तो 48 के प्राइम नंबर्स हो गए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों जगहों पर 48 के प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स जो है वो सेम आए.